हाय। सो 4 दिन पहले जब मैं अपने टूर पे निकला था, तो थैंक यू, आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं मेरा अलफला वाला वीडियो। तो उसी दिन हम दोबारा से SGT गए, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं SGT 3 साल पहले गया था, और तब उसके बाद मैंने सुना कि उन्होंने एक सिमुलेटर लैब लॉन्च कर दी है। और हर जिंदगी को देखने का नज़रिया होता है प्लस या माइनस, कुछ लोग बहुत पॉजिटिवली देखते हैं, कुछ लोग नेगेटिवली देखते हैं। तो दो तीन लोगों ने बहुत तारीफ करी थी, तो मैंने कहा अच्छी बात है जी। तो मैं वहाँ पर डेफिनेटली आई वेंट देयर एज ए डमी स्टूडेंट, और मैंने बोला कि एडमिशन कराना है मुझे अपने भतीजे का, और उन्होंने मुझे पूरा टूर कराया। तो देखिए, SGT मेन गुड़गांव सिटी से थोड़ा दूर पड़ता है, और उसके साथ एक और अब एक नेगेटिव फैक्टर हो गया, शुड आई से, कि जो नया एम्स झज्जर, जो हम झज्जर कहते हैं, वो झज्जर शहर में नहीं है, वो बिल्कुल SGT से 3 किलोमीटर दूर था। विच मीन्स उस एरिया के लोगों के लिए एम्स जैसा एक फ्री हॉस्पिटल आ गया है, वो भी एम्स। इसके अलावा मेन गुड़गांव को क्रॉस करने के बाद जब हम एक हाईवे लेते हैं टूवर्ड्स झज्जर, तो ये SGT आता है। तो वैसे एसेसिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, बट डेफिनेटली आसपास कोई बड़ा शहर नहीं है, और गुड़गांव के लोगों को तो वहाँ पर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। सो वही लोकल गांव वालों के ट्रीट करने के लिए ही वो हॉस्पिटल हो गया। हम जब सुबह पहुँचे तो OPD का टाइम चल रहा था, ठीक ठाक भीड़ थी OPD में, बहुत ज़्यादा रश में नहीं कहूँगा, और ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल खाली था और कुछ भी देखने के लिए नहीं था, और फार्मेसी वगैरह चल रही थी, लेकिन डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। सो जो भी लोकल लोग हैं उनको जो भी पेमेंट होती होगी वो कर रहे होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि SGT डेंटल कॉलेज भी चलाता है, और एक प्रॉपर और भी 3-4 मेडिकल कोर्सेज चलाता है। सो काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा कैंपस है, आई थिंक हरियाणा के सारे प्राइवेट कॉलेजेस में सबसे सुंदर और बेस्ट कैंपस जिसे कहते हैं वो SGT है। फीस 18 लाख रुपए है, कोई इंक्रीमेंट नहीं है, तो 4.5 साल की 90 लाख हो गई। आपको कहा जाता है कि हॉस्टल ऑप्शनल है, लेकिन देखिए जिस लोकेशन में वो कॉलेज है, तो या तो आप कॉलेज के हॉस्टल में रहेंगे या बाहर रहेंगे, लेकिन आप अपने घर से ट्रैवल नहीं कर सकते अनलेस अनटिल आप उसके बगल वाले गांव के रहने वाले थे। विच मीन्स इन एनी केस साल का जो 1.5 से 2 लाख रुपये खर्च होना है वो होना ही है। तो 4.5 साल के आप 10 लाख वो मान के चलिए। सो टोटल मोटा मोटी SGT गुड़गांव 1 करोड़ रुपये आपका खर्चा होगा। जैसा कि मैंने कहा कि अलफला 80 लाख, और बाकी जितने हरियाणा के कॉलेजेस हैं उसमें भी हमारा नाना करके 70 लाख के आसपास चला जाता है। सो 70, 80 और ये 1 करोड़ हो गया SGT गुड़गांव। सो सबसे एक्सपेंसिव ऑप्शन है, इसीलिए कट ऑफ सबसे नीचे रहती है, क्योंकि लोग अक्सर आदेश, NC और झज्जर को ऊपर डालते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द पैकेज। लेकिन डेफिनेटली झज्जर तो मैं बहुत ही डिसअपॉइंट होता हूँ जब भी उसके सामने से भी गुजरता हूँ, तो उससे तो खैर बेटर ही है। जैसा मैंने दूसरे वीडियो में कहा, अल्फला वर्सेस SGT, मैं दिल से बोलूँ, ऑफकोर्स अल्फला का भी थर्ड ईयर है, SGT पुराना कॉलेज हो गया है, लेकिन दोनों काफ़ी टक्कर पे आ जाएंगे और आप खुद से अपना डिसीजन ले सकते हैं, और 20 लाख का फ़र्क भी है। उसके अलावा देखिए, हाँ, सिम्यूलेटर लैब पे वापस आता हूँ, तो मैंने बड़ा टफ क्वेश्चन पूछा, दिखाया मुझे बड़ा ही एक एयर कंडीशनड कमरा और 10-12 कमरे बना रखे हैं, और पहला मुझे ले गया ले गई वो मैडम कि देखिए ये ना ध्यान डिलीवरी होती है जी, और हमने ये डिलीवरी रूम का सिमुलेशन बना रखा है। तो मुझे लगा कि सिमुलेटर लैब का मतलब ये होगा कि असली में दिखा रहे होंगे कि बेबी कैसे डिलीवरी होती है, कुछ रोबोट्स रखे हुए होंगे, और मतलब वुमन के अंदर से कैसे बेबी निकलता है वो सब दिखा रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, एक बेड पड़ा था, एक बेबी के लिए वेइंग मशीन था, एक बेबी का शायद वही जिसपे वो पालना होता है वो था, एक कुर्सी थी। तो मैंने कहा भाई, मैंने कहा ये तो उसके लिए हो गया। अगर मैंने कहा तो बगल में आपको हॉस्पिटल चल रहा है, कहते यस सर। तो मैंने कहा ये जो कमरा है ये तो आपके हॉस्पिटल के जितने भी डिलीवरी रूम होंगे सभी में ये होगा, कहते यस सर। तो मैंने कहा ये तो जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं वो तो सुबह शाम जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए जाना कौन सी बड़ी बात है। तो मुझे इसका लॉजिक समझ नहीं आया, वो बेचारी सब सक पका गई। कुछ लोग उसको बहुत वाव की तरह से देखते होंगे, जैसा मैंने कहा बड़ा खर्चा कर रखा है उस पर। तो देखिए बिल्कुल एक ढकोसला मुझे लगा, स्पेशली जब हम कॉलेज के अंदर हैं। और मैंने अपने कलीग्स को बताया, मैंने कहा भाई 10 साल पहले जब एयर होस्टेस ट्रेनिंग की जरा बूम चला था इंडिया में, तो आपको एक रियल कैबिन एक्सपीरियंस देने के लिए कई लोग इंस्टीट्यूट के अंदर एक एक कैबिन का सिम्यूलेटर बनाते थे, तो बिल्कुल कैबिन का लुक देते थे, 20-25 चेयर भी लगाते थे जो असली पैसेंजर चेयर्स होती हैं, एक आपको ट्रॉली दी जाती थी खिसकाने के लिए, और आपको वो लुक दिया जाता था,
पायलट है, फोन है, पायलट आपको बोल रहा है इमरजेंसी डोर खोलना, क्योंकि असली प्लेन में चढ़ना वॉज वेरी एक्सपेंसिव, और कितनी बार छोड़ोगे और कौन ये करने देगा। लेकिन मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट के लिए जिसके साथ एक मेडिकल हॉस्पिटल अटैच्ड है, क्या उनको डिलीवरी रूम देखने के लिए एक नकली रूम की ज़रूरत है? वो तो कभी भी घूमते फिरते जाके देखा है एक पोस्ट डिलीवरी रूम, वो तो ओटी डायरेक्टली देख सकते हैं, राइट? मतलब कि एज ए यंगस्टर्स यू आर ऑलवेज अलाउ कि आप जाके ऑपरेशंस भी देख सकते हैं लाइव, जो भी आपके कॉलेज के नॉर्म्स और कंडीशंस होंगे। तो वो जो सिम्युलेटर था ना, वो मुझे थोड़ा सा बस एक मार्केटिंग गिमिक लगा, और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो सिम्युलेटर के बेसिस पर आप प्लीज़ SGD में एडमिशन मत लीजिएगा, और बाकी सब देखिएगा, फीस स्ट्रक्चर देखिए, और उसके हिसाब से डिसाइड कीजिए कि क्या आप 1 करोड़ रुपया वर्थ है प्राइवेट मेडिकल के लिए SGD में देना। क्योंकि 1 करोड़ रुपये तो देखिए फिर आपको ना बहुत डीम्ड के ऑप्शंस मिलने लग जाती हैं, और वन ईयर इज़ प्रिटी गुड अमाउंट ऑफ मनी टू स्पेंड, और आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आ जाती हैं। तो बहुत सोच समझ के आप पैसा खर्च कीजिए जहाँ तक SGD की बात है, अल्लाह से डील कोई और ऑप्शन हमारे सामने नहीं है। तो सो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, तो आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज़ जो कि दिल्ली के आसपास के कॉलेजेस होंगे जहाँ मैं जा पाऊँगा। धन्यवाद।